हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो स्पॉटिफाई एप्लीकेशन है, इसमें जो हम सॉन्ग सुनते हैं तो इसमें जो सॉन्ग का लिरिक्स होता है उसको हम इंस्टाग्राम की स्टोरी पर किस तरह से शेयर करें, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले तो स्पॉटिफाई की जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो जो भी सॉन्ग हम यहाँ पर सुनते हैं उस सॉन्ग को हमें यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ से हमें कोई भी रैंडम सॉन्ग ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पर हमने ये सॉन्ग ले लिया है। इसके बाद हमें सिंपली इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके लिरिक्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस जो पूरा सॉन्ग था उसके लिरिक्स यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें जो लिरिक्स हमें अच्छा लगता है वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी लिरिक्स हमें यहाँ पर अच्छा लगता है उस लिरिक्स को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ताकि हम उसको इंस्टा स्टोरी में लगा सकें। तो यहाँ से हम ये लिरिक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए सिंपली हमें क्लिक करना है और ये सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज होने लगेगा। तो यहाँ से आप इसमें कुछ कलर्स दे रखे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर आप इसको चेंज कर सकते हैं। और नीचे की ओर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फेसबुक स्टोरी, इंस्टा स्टोरी और व्हाट्सअप का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें इंस्टा स्टोरी के लिए करना है तो सिंपली इंस्टा स्टोरी पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ गया है। तो इसको यहाँ से हम इसकी साइज इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसको स्लाइड करेंगे यहाँ से नीचे की ओर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो पीछे का कलर है वो भी चेंज होने लगा। तो यहाँ पर कुछ कलर्स भी दिए हुए हैं तो यहाँ से आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। और इसको लगाने के लिए आपको सिंपली नीचे यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर आप इसको लगा सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इसको आप लगाएंगे तो इसमें जो सॉन्ग है वो प्ले नहीं होगा। तो सॉन्ग को किस तरह से प्ले करना है उसका भी मैं आपको, तो अगर आपको बिना सॉन्ग के लगाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। और सॉन्ग के साथ लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए हमें सिंपली ऊपर की ओर यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिल जाएंगे ये वाले, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसको सेव कर लेना है। सेव पे हमने क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हमारे ये सेव बन रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सेव हो गया है। और अगर आपको बिना सॉन्ग के लगाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करके यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपके इंस्टा स्टोरी में लग जाएगा बिना म्यूजिक के, कुछ इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूजिक के साथ लगाने के लिए आपको करना क्या है। तो पहले तो हम इस वाले जो हमने अभी लगाया है इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 लाइंस पे क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देते हैं बिना सॉन्ग वाले को। तो यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं योर स्टोरी का ऑप्शन आपके आ गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि योर स्टोरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो हमने सेव किया था उसको हमें यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पर हमने जो ये सेव किया था उसको हम इसको ले लेते हैं। इसके बाद हमें इसमें म्यूजिक लगाने के लिए सिंपली करना क्या है, तो यहाँ पर ये आइकन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले आइकन पे हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा म्यूजिक का। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जो वो सॉन्ग था उसका नाम हमें यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो सॉन्ग का नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सॉन्ग आ गया है तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर जो लिरिक्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो हमें यहाँ पर सॉन्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे जो लिरिक्स हैं उनको ले लेना है। तो यहाँ पर हमने उनको ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ऊपर की ओर डन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, कुछ इसको इस साइज़ का कर लेना है, इस साइज़ का कर लेना है, इसको थोड़ा छोटा करके इस साइज का कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर सॉन्ग भी लग गया है और लिरिक्स के साथ लग चुका है। और इसको लगाने के लिए हमें सिंपली करना क्या है, जैसे हम स्टेटस लगाते हैं उस वाले आइकन पे हमें क्लिक कर देना है इसको योर स्टोरी से, उसमें यहाँ पर हमारी स्टोरी लग चुकी है विद सॉन्ग के साथ।
फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको दोनों प्रोसेस बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। और फ्रेंड्स इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास सबसे पहले। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।